नमस्कार, मंगला के चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ। दरअसल बीच में मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से जो है पहले की तरह कंटिन्यू आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो ये देखिए, ये एक साड़ी है, मेरी माँ की साड़ी है, कम से कम 40-45 साल पुरानी साड़ी है ये। और इस तरह की जो साड़ी है ना, जो बॉडी हगिंग बोलते हैं, इस तरह की साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो इस हिसाब से ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी फंक्शन के अलावा वैसे वह साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, और ये साड़ी तो फंक्शन में पहन नहीं सकती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसे एक ड्रेस बना लेती हूँ, ताकि मैं डेली वेयर के हिसाब से इसको यूज़ कर सकूँ। तो ये देख सकते हैं इस तरह से ये साड़ी है। तो ये जो ड्रेस बनाने वाली हूँ थोड़ी सी यूनिक है, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग जो है कर ली है, ये इस तरह से ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है, मैंने बोर्ड ने कट किया है, और लाइनिंग मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से कट किया है। बाकी का फैब्रिक सिलने के बाद मैं कट करूँगी। ये स्लीव्स है, और ये नीचे का जो घेरा है ये मैंने दो घेरा कट किया है, वो भी स्क्वायर शेप में, और मैं डबल घेरा बनाना चाहती हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं ये मैंने कट किया है, और इसके इसमें देखिए बड़ा वाला में मैंने यहाँ पे जॉइन भी किया है, क्योंकि हमारे साड़ी तो इतने चौड़े होते नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए, ये दोनों साइड जो है ना, इसमें पार्ट लगा हुआ है, और दो साइड तो पार्ट नहीं है, तो इसके लिए मैंने जो बचा हुआ पार्ट था मैंने कट कर लिया है। उसे मैं ये जो साइड है, दोनों साइड इस तरह से जो है मैं इसमें सिल लूँगी, और फिर उसके बाद बनाऊँगी।
फ्रेंड्स देख सकते हैं ये हमारी ड्रेस की जो है फाइनल लुक। और यहाँ पे जो है मैंने डबल घेरा रखने के लिए मैंने कट किया था, लेकिन क्या है कि मैंने छोटा वाला जो घेरा है उसको नहीं लगाया है, क्योंकि उसको लगाने के बाद देखने में सुंदर लग रहा था लेकिन मेरे एज के हिसाब से वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही बच्ची बच्ची टाइप का लग रहा था। तो इसलिए मैंने जो छोटा वाला घेरा इसके ऊपर लगाने वाली थी उससे मैंने नहीं लगाया, सिर्फ मैंने बड़ा वाला घेरा जो है उसे लगाया है। और देख सकते हैं अभी पावर ऑफ है, तो इसलिए मैं एकदम गेट के सामने आकर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इसमें जो इसका कलर है ना बहुत ही अच्छा आया है बिना लाइट के। और ये जो फीता है मैंने कमर में बंधा हुआ है, तो ये आप जैसा चाहे मर्जी इस फीते को जो है बांध सकते हैं, क्योंकि इससे मैंने बहुत बड़ा ही बनाया है। आप चाहे इसको पीछे की तरफ बांध सकते हैं या दाईं तरफ या बाईं तरफ, अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट करके जो है इस फीते को बांध सकते हैं। तो मुझे तो ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।